गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 10 पर इंडेक्स क्वेश्चंस नंबर 2 और 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें, गिवन है ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन आपकी मूव कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग है कि ये ट्रेन क्या दे रखा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट आपका गिवन है ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इस पर ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तब इसका एक्सीलरेशन कितना गिवन है, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट डॉट रेस्ट। कितना दूरी तक ट्रेन जाएगी रेस्ट में आने से पहले। इसका मीनिंग कि फाइनली जब ट्रेन रेस्ट में आएगी तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ओके, ये चीजें हमें गिवन है। इसमें निकालना है हमें एस। पहला हमारा काम क्या होगा, 90 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। नाउ चेंज दिस 90 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लाई 90 बाय 5 अपॉन 18। ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ओके, कैसे आया ये 5 अपॉन 18? किलोमीटर का मीनिंग 1000 मीटर, आवर का मीनिंग 60 इंटू 60। जब ऊपर नीचे कैलकुलेशन करोगे दैट विल बी 5 अपॉन 18। तो यहाँ 18 से इसे कट किया, 18 5 से 19, ये हो गया आपका 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी हैव 3 टर्म्स यू ए वी एंड एस, एस हमें कैलकुलेट करना है। तो कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसके अंदर ये चारों टर्म्स आएंगे, इक्वेशन नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? ओके, नाउ पुट ऑल द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन। वी कितना है आपका, 0। यू आपका गिवन है 25। ए की वैल्यू -0.5, एस कैलकुलेट करना है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 25 स्क्वायर 625, माइनस प्लस माइनस 0.5 × 2 कितना हो गया आपका, 1। ओके, तो 625 इक्वल्स टू, तो एस आपका कितना आ जाएगा, 625 मीटर। This is your answer. Now, question number 3. Question number 3 की अगर हम बात करें, given है a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 cm/s². तो हमारे पास एक्सीलरेशन गिवन है, टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सेकंड चीज, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। टाइमिंग गिवन है आपका 3 सेकंड्स। ये कह रहा है कि स्टार्ट होने के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपका 0, क्योंकि स्टार्ट होने के लिए बोलता है। इसका मतलब है कि पहले जो आपका जो ट्रॉली है दैट इज ऑन रेस्ट,
तो यहां यू हो जाएगा आपका जीरो। क्या कैलकुलेट करना है? वी। पहला वर्क हमारा क्या होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना। तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करेंगे? 100 के साथ डिवाइड कर दो। ओके, इतना हो गया 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ विच इक्वेशन वी शुड अप्लाई हियर? वी हैव 4 टर्म्स ए टी यू वी, चार टर्म्स हमारे पास। वी शुड अप्लाई हियर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ अप्लाई, नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज इन दी इक्वेशन। A is given as 3, multiply both terms, so answer will be 0.06 meter per second. Okay, bachcho, thank you for watching this video.